साकेत पाठक और मेरे साथ हैं संतोष सिन्हा। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो एक मुद्दा नहीं एक मुहिम है, जिसे हमने नाम दिया है वेक अप इंडिया का। ये वेक अप इंडिया केवल उन आम नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो उच्च पदाधिकारी हैं और कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल पोस्ट्स पे विराजमान हैं। हमारे पास लिस्ट्स ऑफ एक्टिविटी है, हम जिसके विषय में अपने अलग अलग एजेंडा और अलग अलग डिस्कशन के साथ आपके सामने आएंगे। आज के जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। संतोष जी, क्या आप रोशनी डालना चाहेंगे ये डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या है और आप इस तरह के सब्जेक्ट को वेकअप इंडिया में क्यों लेकर आए हैं? देखिए, हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी ये जानने के लिए कि भाई भारतवर्ष में कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलेड हैं, और हम हतप्रभ थे ये जानकर कि कुल 302 प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया में हैं जो वो डिलेड हैं, जिनकी वर्थ है लगभग 1.45 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में डिलेड हैं। ये फिगर नवंबर 1, 2017 का है। ये फिगर हमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा दिया गया था, और जब हमने कोशिश की जानने के लिए इसके कारण क्या है, हमने जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं जैसे NHAI हुआ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हुआ, उनको भी हमने मेल्स लिखे, चिट्ठियां लिखी उनको कि भाई ये प्रोजेक्ट्स डिले क्यों हैं और कारण क्या है इसका, इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं किसी की, और थ्रेस्ट टाइमलाइन क्या है इनका, कब तक पूरा होगा ये, तो हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं उनकी तरफ से रिप्लाई आने का। लेकिन फिर भी हमारी टीम ने जब जांच पड़ताल किया इसके अंदर तो पता चला कि श्री विजय गोयल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस, लैंड एक्विजिशन, फंड कंस्ट्रेंट्स एंड सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, ये कुछ इश्यूज हैं जिस कारण से ये प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, जिसके अंदर लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा कारण बन के आता है। ओके, तो आपका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट डिलेज हैं वो कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंटल क्रॉस फंक्शनिंग है उसके वजह से ये एस्टैब्लिश होते हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रोजेक्ट जब भी कंसीव होता है उस समय एक DPR जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत बहुत तरह की सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, अप्रूवल्स होती है, फाइनेंशियल बिड्स होते हैं, उन सभी के हिसाब से किसी भी प्रोजेक्ट का आवंटन होता है। लेकिन संतोष जी के हिसाब से और जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो क्रॉस फंक्शनिंग बैरियर्स हैं एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, और कभी कभी बहुत तरह के NGOs और NGTs का भी सामना करना पड़ता है इन प्रोजेक्ट्स को, जिसके कारण से ये प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये एक क्लियर केस ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग आप कह सकते हैं, जहाँ पे इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जो होता है, बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट जब सैंक्शन की जाती है उसके अंदर कई सारे मिनिस्ट्रीज के साथ अप्रूवल लिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का रोल उसके अंदर आ जाता है, लैंड एक्विजिशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग का रोल उसमें आ जाता है, रूरल डेवलपमेंट का भी रोल उसके अंदर आ जाता है। तो कई सारे इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैकिंग दिखता है। अच्छा, मैं अपने दूसरे सवाल पे तुरंत से आऊँगा संतोष जी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमें चिंता क्यों करनी चाहिए इन डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, एक आम नागरिक को क्यों चिंता करनी चाहिए और ये एक सीरियस इशू क्यों है और हम इसे वेकअप इंडिया में क्यों लेकर आए? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, खासकर रोड एंड हाईवेज की जो प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट्स है, ये जब कंसीव की जाती है इसके दो मुख्य कारण होते हैं, दो फॉरवर्ड प्लानिंग जिसको हम कहते हैं उस कारण से की जाती है। पहला कारण होता है कि आप एक तो जो आपका जो स्थापित शहर है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश आपके जो शहर है उसको हम डीकंजेस्ट कर सकें, ठीक है। दूसरा, हम नई लोकेलिटीज, नई शहर को बना सकें। जैसे अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर कुंडली मलेशल परवल एक्सप्रेसवे की बात करें, जिसका कि एक पोर्शन ईस्टर्न पेरिफेरल के नाम से भी हम जानते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो इनको बनाने का मकसद ये था कि जैसे द्वारका है तो वहाँ पे एक सेटेलाइट सिटी डेवलप हो जाए, जो कि दिल्ली में जो पॉपुलेशन का जो लोड है, एक्चुअली कोई भी शहर तीन मुद्दों से जूझ रहा होता है अगर हम दिल्ली की खासकर बात करें तो, पॉल्यूशन,
पॉपुलेशन और इनक्रोचमेंट। ये तो, बहुत ही सीरियस मुद्दे हैं, तीनों के तीनों मुद्दे इतने सीरियस हैं अभी दिल्ली के लिए, और दिल्ली के लिए ही नहीं बहुत सारे ऐसे शहर हैं मुंबई के आसपास के भी, बहुत सारे ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, कई सारे जितने भी मेट्रोज हैं वो कहीं ना कहीं इन तीन प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होती हैं ये अपने आप में एक लाइफलाइन होता है एक एक नए शहर को डेवलप करने के लिए। द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक नई प्रोजेक्ट जब ये कंसीव की गई थी उस समय कई सारे डेवलपर्स बिल्डर्स ने वहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। तो अगर वो टाइमली एग्जीक्यूट हो जाता वो हाईवे, तो जो लोड यहाँ पे दिल्ली और NCR के खास बाकी एरियाज में है वो कहीं ना कहीं लोड शिफ्ट होकर वहाँ पे चला जाता, वहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बन जाती, वहाँ पे लोग रहने शुरू कर जाते। सिमिलरली अगर हम KMP की बात करें तो कुंडली जो कि आज की डेट में घोस्ट सिटी है, वहाँ पे टाउनशिप बनके तैयार हैं बट कोई रहने को राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी की इशू आज भी है। अगर ये सड़क बन जाती तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ईज आउट हो जाता, लोग वहाँ पर रहने लगते, एक्सपेंशन होता है पूरे एस्टैब्लिशमेंट का। दूसरा, जो ट्रक्स और जो हेवी व्हीकल्स जो दिल्ली के अंदर आज के तारीख में घुस के जाते हैं, क्रॉस करते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर बाहर से निकल जाते हैं, तो पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। अच्छा, मैं अपने तीसरे सवाल पर आऊँगा और इसका पूरा का पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। एक इम्पैक्ट तो आपने हमने जिक्र करा कि मतलब किस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं नए शहर को बनाने में मदद नए शहर को बनाने में मदद करता है, बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं बिजनेसेस को भी इम्पैक्ट करती है। क्या आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगे कैसे ये इम्पैक्ट करती है और इससे कहीं ना कहीं लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर इम्पैक्ट करता है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, एक शहर का एक्सपेंशन होता है, एक नेचुरल एक्सपेंशन होता है शहर का, किसी भी शहर की एक लाइफ लाइफ साइकिल होती है जिसमें कि एक्सपेंशन होता है, एक फेज़ होता है। उस एक्सपेंशन के लिए ये रोड्स, ये हाईवेज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक्सपेंशन इन द सेंस आपके कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, आज की तारीख में अगर हम CP की बात करें जिसको हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो एक है आज की तारीख में NCR के अंदर, वो कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट करता, कुछ गुड़गांव में होते, कुछ आपके कुंडली या फिर कुछ गाज़ियाबाद में होते, कुछ मेरठ तरफ मूव करते, कुछ मोदीनगर तरफ जाते, तो ये सारी चीज़ें होती। इससे इसके अलावा जो अलाइड सेक्टर होते हैं रियल एस्टेट के साथ साथ, जैसे आपके होम फर्निशिंग की हो, फिटिंग्स की हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंट्स की हो, ग्लासेस की हो, वो इंडस्ट्री को भी फ्लोरिश करने का मौका मिलता। और तीसरी बात, एग्रीकल्चर के बाद रियल एस्टेट भारत में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, थर्ड लार्जेस्ट GDP कंट्रीब्यूटर है। अच्छा, तो अगर इतने सारे डेवलपमेंट होते तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पर बहुत ज्यादा असर हमें देखने को इम्पैक्ट पड़ता। तो चलिए दोस्तों, हमने आज डिस्कस करा है डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर। हमने रोशनी डालने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ये डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसका समाज पर क्या असर पड़ता है, इसका बिजनेस कम्युनिटी पर क्या असर पड़ता है, एंड अगर सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो एक तरीके से एक समाज के कंप्लीट इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है। यही कारण है कि हमने इस स्पेसिफिक मुद्दे को वेकअप इंडिया में इंक्लूड करा और इसके विषय में आपको जानकारी देनी चाहिए। ये हमारा मानना है कि ये प्रोग्राम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और कहीं ना कहीं एक आई ओपनिंग भी साबित होगा, क्योंकि जब तक इस तरह के प्रोजेक्ट्स डिलेड होते रहेंगे, हमारे जितने भी प्लानिंग है और जो टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं वो गलत जगह इनइफेक्टिव वे से यूज़ होते रहेंगे। हमारा ये कतई नहीं मानना है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारा ये कतई नहीं मानना है कि हमारे अधिकारी और हमारे नेता काम नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि ये समय है मिलकर एक यूनिफाइड इंडिया के तरफ प्रोग्रेस करने का। इसी कारण से ये कॉल है, वेकअप कॉल है, जिसे हम कह रहे हैं वेकअप इंडिया। मैं साकेत पाठक और मेरे साथ संतोष सिन्हा आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम अपने इसी प्रोग्राम के सीरीज़ में फिर से लेकर आएंगे एक एजेंडा
और उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो एक सोसाइटी के ग्रोथ में हेल्प करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।